कबूल फरमावे जड़ा जड़ा बंदा जड़ी जड़ी जा तो जितने जितने कदम चल के आए जिक्र दे वाले सुना हर कदम इबादत दे शुमार फरमावे भाई अंदर पुर खलूस है तमाम बार में शहन शाह पड़ी बारगाह इच कबूल फरमावे तमाम जाकरी इंद पड़िया में हकीर दे चंद अल्फाज जिक्र दे वाले सब पड़ी बारगाह इच कबूल फरमावे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਪੀਆ ਕਰਦਾ ਵਤਨ ਏ ਗਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਗੁਨਿਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਬੁਲੰਦ ਗੇ ਨਾ ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੋਮਿਨ ਨਜ਼ਰਦਾਰ ਕੋ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਭੇਣ ਅਤੇ ਬਿਰਾਦ ਅਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ੀਦ ਬੁਲੰਦ ਗੇ ਨਾ ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ उस वक्त तक किसी मोमिन अजादार को मौत न देवे जब तक वो शाम दा जवार न बने लखन दी एक दुआ है परदे आले वारिस दा जल जहूर फरमा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत बाबा से बुलंद पढ़ बाबा कोई लंबी चौड़ी मजलिस नहीं कोई जाकरी नहीं मनवावनी वतन गारे बानी दी हसीयत नाल हाजरी मेरे बाद मेरा चाचा है मौलाना दा साया साढ़े सारा ते कायम उदैम रखे कुछ अजीज तशरीफ फरमा है मौला हर कहन दी जबान विच असर पावे बख्त इज्जत सलामत होने वतन अली तुहाड़ियां दुआवां दा असर ही मकाम तक आया है ते तुहाडे कोल दुआवां ही गिणनियां बजुर्ग पासे नाल उन्हां कोल भी दुआवां गिणनियां किसे चीज दी हसरत नहीं किसे चीज दा लालच नहीं भेण ते विराह दी करम नवाजी है त्रै साल दे अरसे इतना सब कुछ दे छोड़न ने उम्मीद विच भी नहीं साड़ी बजाते खुद चक्के दी हसीयत नहीं जड़ी परदे चाई बैठी है उन्दी करम नवाजी है इजाजत है बाबा मजलिस दा आगाज शुरू करो कोई लंबी चौड़ी मजलिस नहीं फकत हाजरी बानी दी हसीयत नाल हाजरी है सारे जाकरी बानी है नाज दी मजलिस दे सवेरे दी मजलिस शुरू है तकरीबन शाम ते वड़ा लिए जितने जाकर सोनी बैठे मैं सारों तो थोड़ा पढ़ना है मैं प्यादा अली को मानने वाला अकील होता है गर्मी ढेर है थोड़ा कसूर ही नहीं थोड़ा बहमजना ही काफी है थोड़ा साल साह इबादत भी लिखें दे क्योंकि बादशाह ताबेदार दी ताबेदार हाजिर नौकर दी मैं कह अली को मानने वाला अकील होता है शायरा दे हकूके बिनते नबी का वकील होता है हकूके बिनते नबी का वकील होता है शायरा दे अरे जमीन को छोड़ फिजाओं में चला जा तवज्जो करनी है नियाज़े हुसैन जमीन को छोड़ फिजाओं में चला जा शायरा दे वहां भी दुश्मन सैयदा जलील होता है ठीक हो घटा आयली आयली बड़ी मेहरबानी इजाजत है बाबा ये आयली आयली जवान दा हुक्म है एक शेर कसीदे दा सुना ना पिया एक वैन तालिबे दुआ मकामे खुमे गदीर मैं आखे मकामे खुमे गदीर उस जात ने अपने सोने नबी को हुक्म दिता सोना नबी थाई उठ बला लफ्जी हुई जड़ा मैं आ गया इतना ही उठ बला पलाना दा मिंबर बना दे अली दी विलायत दा ऐलान कर
मैं कुरान का वाकिया खड़ा पढ़दा ते अली दी विलायत दा ऐलान कर पतितना निसा कावत गुबिया फरमांदे अगर अली दी विलायत दा ऐलान न की तो ही रिसालत दा कोई कम नहीं कीता, रिसालत दा कोई कम नहीं कीता। बस मैं मुकामा बन गया अली बादशाह मौला, जड़े बुजुर्ग बैठे हुए बन गया अली मौला, दर्जात बुलंद होवन मेरे दादा उस्ताद मुरीद अब्बास लंगाल साहब दे। ओ फरमाते रहंदे हैं बन गया अली मौला वतन ते वल आया चोला पै गया रोला। इना काल सा अपना मौला बने सो, असा अपना मौला बने सो। किताब दा ना है मदीनतुल माजिज, हाशिम बारानी दी लिखी हुई। ए ओ आलिम है जड़ा 40 साल बादशाह अली दी जरी ते बैंदा रहे। अजा जरी तो चंद कदम दूर वधा होंदा ही मलंग दरवाजा आपे खुल वेंदा ही। सिर्फ दरवाजा नहीं खुलदा, हाशिम सलाम करेंदा ही। जरी जो आवाज आंदा ही हाशिम पुत्र मेरी सलाम होवी। असा ऐसे आलम दे ऐसे उलमा दे कायल हैं। उन्हां दी किताब विच बाकी अदर दे घर बन के मुताला च करें। किताब मौजूद ना होवे कुरान तो हर घर मौजूद है बाबा। कुरान दा वाकिया खड़ा पढ़दा बन गया अली बादशाह मौला वतन ते वाला या टोला पै गया रोला। इना गल सा अपना मौला बने सो, इना अपना मौला च बनाया। एक बंदा टुरदा टुरदा बादशाह अली दे सहाबी को लाया जांदा ना ए सालसा इब्ने सुहान। देख के सालसा साहब अपना मौला बने, सालसा इंदे पास देख के बछड़े मरनी मैदान खुम नबी बना नहीं छोड़ा। नबी बना नहीं छोड़ा वो के नहीं नहीं टोल मैं तक वो अपना दिखावा। हूँ साथ साहू बंदे दे नाल टुर पिए मस्जिद नबवी चाहे सास आसे पास डिठे वो के किन दे दें वो के मौला दे दें वो के इन तन देख सामने मिंबर तो देख सास मिंबर तो डिठे सास ही में चुप कर गए वतन वाले जी में दूसर चुप कर गए वे। हूँ सासे ने बंदे नाल जड़ियाँ गल्लां कीतियां वीरों हुंदा ना है कसीदा। इजाजत है बाबा पढ़ूं जो कसीदा। सासे इन्हें पास रिठे थे लेके आते गलता है दर्दी होई आई माला सब दर्दी होई आई
लेकिन जड़िया मुंह चू निकली हुई गालियां दी ना बंदा कदे ही नहीं भूलदा। और जिन्हां दा तारीख नाल वास्ता है, जिन्हां करा किताब डिठी नहीं, उन्हां नाल मेरी केड़ी गल है। जिन्हां दा तारीख नाल वास्ता है, मैरो देखे वो आखे ठीक है तू भूल गया उसे, लेकिन जड़िया मुंह चू निकली हुई गलां है ना बंदा कदे ही नहीं भूलदा। आ मैं ते कुत्ते दे मुंह चू निकली हुई गल याद रिवावा, सास ने बस नीठा ते लेके आ दे याद कर सब तो पहले दुआ मंग के दी कुसमायस
गरीब लह बैठा है। मैं लख बारी अदा रहा लह बैठा है सैयदा दे कोई है जड़ा मोहम्मद दियां धीयां दे बुरके बचा ले, कोई है जड़ा अली दियां धीयां को वतन पहुंचावे, कोई है जड़ा मेरियां धीयां को पुरमन तौर ते वतन गेन बंदे। हर कै ए गुरबत दवेन सुने वतन अले जिवें धी सुने में कै ने सुना। तड़प के उठिए ले कह दिया मैं मेरा बाबा किन गए बीबी अदी सामने जड़ा गुरबत दवेन बैठा करें वो तेरा बाबा मजलूम है। इजाजत दे मैं बाबे दो वेंदियां बीबी अदी मेरी मना नहीं मैं सो मैं घोड़े नाल घोड़े फौजी नाल फौजी तलवार नाल तलवार है। तू चार साल की बतूर तू बहु वी फरदार कि वैसे जे कदी अम्मा एक सवाल का जवाब ले इंसाफ कह दते बीबी अदी पूछ दे कदी 40 हिजरी आई 19 माह रमजान आई सुबह द टाइम आई जिब्रील ताज लाई वदाई मना दी वदा करें दाई कद गो तेरा अमीर अलमोमिनीना लोगो मोमन दा अमीर मार गए। हम तो सत्रीय भेणी बुरके करके दर ते आ गई हां वे हम बच्चा पूछ सकदी हां दरवाजे ते क्यों आई हां वे लेके दी मेरी धी तक का दसावा साडे बाबे गुजरब लग गई आई साला बाबा जख्मी हो गया है। ले कह दी अम्मा इंसाफ तेरे दे तेरे बाबे को मारने वाले कितने हैं। ले कह दी मसोमा एक मारने वाला ही वादा दिए छोड़ावन वाले कितने हैं। बीबी कह दी मेरे 18 बिरा मौजूद है रूमी मेरी सहन। ले कह दी अम्मा इंसाफ तेरे दे तेरे व्यू को मारने वाला इका उन छोड़ावन वाले 18 पुत्र हैं। मेरे देख मेरे बाबे को मारने वाला दौलत के बचड़े मारे गए पुत्र मारे गए बेरा मारे गए ਮਿੰਬਰ बीबी अदी मक्की में मना ते कदी पाक मिट्टी ते कुछ चादर इकट्ठी कर लेंदी हां पाक मिट्टी घनवन तेरे व्यू दी नमाज द टाइम पढ़ी कर नमाज बड़ी औखी बची है नमाज। अगर नमाज दी इज्जत अजमत पुछनी सज्जा तो बोझ सैयदा दे उठ दी कान ते बद्यो हथ नारा दे रियो सुभान रब्बी अला पढ़ी कर औखा बच्चा सजदा मिट्टी कट्ठी कर लेंदियां बन तेरे प्यू दी नमाज दा टाइम है। बीबी आदी अम्मा दरिया पिया बंद है मेरे प्यू को वुजू जोगा पानी न मिलसी। बीबी आदी मासूमा अगर वुजू जोगा पानी देवना होवे आज त्री जड़ी है असा दसे आए साकु पानी मिल पोवे आ मिट्टी खिल बन। बीबी आदी अम्मा फिजा मेरी धी कुचा बाबा मिला फिजा नाले 4 साल की बतूल टुटती आती है पता नाली मैं सख्त पड़ा कदा नहीं और लफ्ज कोई नहीं सैयद समेत के माफी दे छोड़े एक कदम चाहती है चाचा बस जान पौंदी है अल्लाह जाने ते समझे या नहीं समझा पत भी एक कदम चाहती है बस जान पौंदी है। एक शामी घोड़े सवार है बीबी दे नाल रुपया गुजरदा है बीबी दी बंदा खुदा कितने मेरे बाबा डिटे जीन छोड़िए एक क्या दे बच्ची तेरे फ्यू धना के बीबी अदी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बादशाह हुसैन इब्न अली ये हर हमें जुल्म की ते मसोम मिट्टी ते झड़ी है मैं हाथ बांध के दी मार तो की ते हो ना दशा मेरा बाबा कितना है दर्जात बुलंद होवे ना लामा हुसैन बजाड़ा मरहूम दे उन्हें अपनी किताब विच लिखा है ओपे फरमाने ने हरामी गोड़ी लाई है कमान तीर पातस लोहे दी कमान दे दो सिरे मिलाएं इतने जुल्म दा तीर मारस पत मासूम दे पास दे तस दे के अदर बच्ची ए तीर जें को मंज लगे वो तेरा बाबा मजलूम है। मैं तई में अदर आंदा अगू तीर है पिछू 4 साल दी सही आजादी है
ਸੱਜੂ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਖੱਬੋ ਨਿਕਲੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਤ ਲੁੜੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗੀਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਖੜਾ ਲਾਈਵ ਪੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੋ ਧੀ ਹਕਲ ਮਰਿੰਦੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਿਓ ਸੁਣਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੇ ਹਕਲ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿਓ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਅਮਾ ਵੱਲ ਜਲੂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੇਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਮੁਖਲਾ ਥੀਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਮੁਕਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਬ ਹੈ ਪਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੱਲੇ ਜਿਬਰੀਲ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਾ ਰਕਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬਚਣਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਧੀ ਬੱਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਲਾਇਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੀ ਬੁਲਾ ਸੈਯਦਾ ਧੀ ਕੋ ਹਕਲ ਮਾਰੀ ਇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਕਿਨ ਪਈ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮਿਲ ਗਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਭਲੋ ਵੀ ਭਲੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਵੱਲ ਆਈਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬਈ ਪਾਵਾਂ ਬਈ ਛੋਟੀਆਂ ਆਏ ਤੀਰ ਵੱਡੇ ਆਏ ਬਦ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਲ ਲਈਏ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਕੁਹਾਨ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਏ ਮਾਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਆਏ ਹੁਣ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੀ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ 11 ਤੀਰ ਛਿੱਕੇ ਖੂਨ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ 11ਵਾਂ ਤੀਰ ਚੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚ ਬੱਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀ ਔਖਾ ਨਥੀ ਮੈਂ ਬੱਲੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਖਾ ਨਥੀ ਮੈਂ ਬੱਲੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋਲੀ ਚ ਬਲਹੈਸ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਨੇ ਬਾਬਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਜੋਲੀ ਚ ਬਲਹੈਸ ਵਹਿਣ ਸੁਣੇ ਅੱਕ ਜਾਣੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਹਾਂ ਜਨਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ
Divine, divine, divine.